हमने जो डफी को पकड़ा हुआ था अब इसका काम आएगा। तो भाई हम डफी से पूछ रहे हैं और डफी रोने लग गया। पर डफी को बताना पड़ेगा 6 पॉइंट कैबिन कहाँ है, क्योंकि वहीं पर इन्होंने अपना सामान सुमून छुपा रखा है जहाँ पर पैसे पूसे रखे हुए होंगे। तो यहाँ पर डच भी आ चुका है विलियम्स के साथ। तो विलियम्स को काफ़ी खतरनाक बताया डच ने कि ये काफ़ी अच्छी तरह से उगलवा लेगा। तो जो डफी है वो डर के कारण बता देता है 6 पॉइंट कबीले कैबिन का रास्ता। तो आर्थर ने कहा कि भाई तू भी चल हमारे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि तू तो हमें झूठ झूठ के दे और फिर बाद में हम किसी और का शिकार हो जाए। पर साथ में हम इनका जो मेन लीडर है ना उसका नाम है क्लम और ड्रिक्स कॉल, तो हम उसको भी ढूंढेंगे। तो इसने कहा है कि वो भी उसको वहीं पे मिलेगा। तो ठीक है, और ड्रिक्स कॉल को भी ढूंढना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि हम इनके इलाके में जाके चोरी चकारी कर लें और फिर ऑड्रिस कॉल अपनी टीम के साथ आए, वो हमारे इधर आतंक मचा दें। तो हम ये भी नहीं चाहेंगे। तो हम तीन चार मिलकर जा रहे हैं और डफी को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। तो डफी बताएगा अब हमें रास्ता, पर ऑड्रिस कॉल को भी हमें ढूंढना ज़रूरी है। अगर ऑड्रिस कॉल नहीं मिला ना तो आपको मैंने बता दिया है वो बाद में क्या करेगा, वो हमारे कबीले में आके हमला कर देगा। तो चलो पहले ढूंढते हैं इनका कैबिन कहाँ पे है। तो ये हमें बता रहा है कि ये हमें अभी सीधा इसके पीछे पीछे चलना है डफी के। या आर्थर को क्या हो गया, आर्थर इस तरह से क्यों चल रहा, देखना आर्थर की चाल, आर्थर को चोट लगी आई थिंक। तो अभी छुप के देख रहे हैं हम, अभी खाली हम मुआयना कर रहे हैं कि भाई हमें कहाँ से जाना है। डफी हमें बता रहा है कि भाई कि कहाँ कहाँ से जा सकते हैं। तभी यार यहाँ पे दो तीन बंदे आ गए, देख रहे हैं आप। अभी हमने इसका मुंह बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि चिल्ला पड़े और ये अटैक कर दे हम पे। तो भाई हमने आर्थर तो रेडी हो चुका है, आर्थर पहले इसका ही काम करेगा टॉयलेट करने वाले का। अबे पीछे मुड़कर देखना चाहिए इंसान को कि भाई कोई आ तो नहीं रहा, नहीं ये गया। अभी हमें उन दोनों का काम भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो धनुष बाण इसीलिए सही रहता है, ये आवाज़ नहीं करता, एक को मैं मारूंगा एक को वो मार देगा, बस दोनों गए। अब हमें धीरे धीरे इनके ऊपर हमला कर देंगे। जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर इन सबको पता नहीं कि इनके ऊपर हमला होने वाला है। ये देखो कितने आराम से बैठा हुआ है, रुक जा बेटे एल ले, इसका भी काम ख़त्म। अभी काफ़ी बंदे होंगे यहाँ पर और रिस कॉल भी यहीं मिल जाए तो बढ़िया ही है। ये देखो किस तरह से बैठा हुआ है, ख़त्म। और कोई भी होगा यहाँ पर वो देखो, ये भी गया। अभी हम सबको डाउन करेंगे यहीं पे, एक ये है एक उधर है। अब पता चल गया इनको, अब पता चल गया इनको, अब मुझे भी अपनी बंदूकें निकालनी पड़ेंगी। रुको अब होगा तहलका, अब फटाफट गोलियां चलेंगी तब आएगा मजा। स्टाइल देख रहे हो उसकी, गोली चलाने की इतनी तेज है। अब तो बंदूकें निकालनी पड़ेगी, अब धनुष से कुछ काम नहीं होगा। अब देखना हमारी चार बंदे हैं और इनके देखो कितने सारे बंदे हैं, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाते। ये भाई काफ़ी सामान है यार यहाँ पे खाने पीने का ना, अगर देखा जाए। ये भी गया, यहाँ पर भी काफ़ी बंदे हैं। रुको जरा इनको भी ढेर लगाते हैं जरा इनका। द क्लॉम ऑड्री स्कॉल को मैं बोल भी रहा हूँ कहाँ है वो, देखते हैं कहाँ मिलता है। ये आई थिंक इनमें से पता नहीं वो होगा नहीं होगा, लगता है वो अपने कैबिन में ही होगा क्योंकि वो मेन बंदा है ना, वो जल्दी से सामने तो आएगा नहीं। ये छुपके मार रहा था काफ़ी देर से, इसने मेरे को देखा ही नहीं, मैंने रोटेशन ले ली, इसको पता ही नहीं चला। अब वहाँ पर भी काफ़ी सारे बंदे और काफ़ी सारी माल है इनके पास खाने पीने के लिए। चलो ठीक है, हमारे काम ही आएगा ये तो।
काफ़ी सारे डाउन हो चुके हैं लगभग, अब इनसे पैसे बटोरने की बारी है। अब हम देखते हैं इनसे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। वो मिला भाई, मिला 100 कुछ डॉलर मिल गया। इससे देखते हैं, इससे कुछ पीने पानी की चीज़ मिली, पर वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे लिए सब भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसा ना होना कि हमें बाद में कुछ चीज़ मिले ना। अभी जो डफी ने बताया था ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ओ ये है वो कैबिन, अंदर कहीं कुछ हो। ओ भाई ओ ये कौन है? अबे इसको किसने मारा? ओ भाई डफी ने मारा इसको, डफी ने बचाया मेरे को। पर अंदर तो कोई है नहीं यार, ऑड्रिस कॉल भी नहीं है यहाँ पे। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कहाँ है वो, बता भाई कहाँ है वो और डिस्कॉल। ये बोल रहा है उसे पता भी नहीं है कि कहाँ पे है, और फिर बाद में इसने इसकी जान बचाई। विलियम्स भी कह रहा है ये अच्छा है। तो अब मैं अब आर्थर इसको छोड़ देगा, बोलेगा आर्थर जा तू चला जा, निकल जाए यहाँ से। इसकी जान बचा दी हमने, अब हम इसकी जान नहीं ले रहे, इसको जाने के लिए बोल रहे हैं, पर ये मना कर रहा है, ये हमारे साथ रहने के लिए कह रहा है। ये बोल भी रहा है कि इसने हमारी जान बचाई है। अब ठीक भी है यार ये, वैसे अब ये रह सकता है हमारे साथ। वैसे वैसे डची बताया क्या करना है, पर तब तक के लिए हमसे रख सकते हैं। पर ये बोल रहा है कैबिन में पैसे हैं और हमने लिए नहीं, चिमनी में है कि। अच्छा अभी देखते हैं, अभी जब आर्थर को अंदर भेजते हैं और देखते हैं कहाँ पे पैसे हैं भी कि नहीं है। वैसे बोल रहा तो ऐसे है, यहाँ पर एक गन भी है, चलो इसको भी रख लेते हैं गन को, ये भी काम आएगी। ओ भाई यहाँ तो 5,000 से ज़्यादा डॉलर मिले, 5,600 कुछ डॉलर मिल गए हमें। ओ भाई यहाँ तो हमें काफ़ी डॉलर मिल गए भाई, और हमारा मिशन भी कंप्लीट होता है साथ साथ। यार यहाँ पे तो काफ़ी सारे पैसे छुपे हुए थे, इसके पास भी है कि नहीं है कुछ? इसके पास तो कुछ खास नहीं था। तो चलो मैंने अपनी टीम को तो पहले ही घर भेज दिया है अपने कबीले की ओर, अब हम भी चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये गेम प्ले देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले मिशन में, तब तक के लिए बाय बाय, या फिर कोई और गेम खेल लेंगे, देखते हैं कौन सा गेम खेलते हैं। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले गेम प्ले में, थैंक यू।